अगर आप लेने की सोच रहे हैं एक यूज्ड या सेकेंड हैंड आईफोन और आपको डर लग रहा है कि क्वालिटी कैसे होने वाली है, बैटरी कैसे होने वाला है, बैटरी की कंडीशन कैसे होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, YouTube एनालिटिक्स और डेटा मुझे ये बताता है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई ये बात तो ठीक नहीं है। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी बनता है। और यार हम लोग अभी क्रॉस कर चुके हैं 90,000 सब्सक्राइबर्स, और मुझे लेस देन 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए 1 लाख के माइलस्टोन को पार करने के लिए, और इसमें मुझे आपका सपोर्ट लगेगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है एक फ्री शॉर्टकट जिसका नाम है पावर यूटिलिटी, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, और उसके बाद जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है लास्ट तक। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, इस पे आपको क्लिक करना है और इंश्योर करना है कि ये वाला ऑप्शन एनेबल्ड है जिसका नाम है शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स। अगर ये एनेबल्ड नहीं है तब आप इस शॉर्टकट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको एनेबल करिए और उसके 2 या 3 दिन बाद आप इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रेस करना है एनालिटिक्स डेटा पे, और उसके बाद जाना है करंट डेट पे। तो फॉर एग्जाम्पल आज 24 फरवरी है, तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा इस वाले ऑप्शन पर, और इसके बाद हमें प्रेस करना है शेयर बटन पर, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो शॉर्टकट आ गया है जिसको हमने डाउनलोड किया था जिसका नाम है पावर यूटिलिटी। इस पर हम करेंगे प्रेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट रन होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इस आईफोन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है साइकिल काउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आईफोन 14 प्रो पे 145 साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं चार्जिंग के, और आप देख सकते हैं कि चार्जिंग साइकिल एप्पल कैसे गिनता है उसको आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके नीचे है एवरेज टेम्परेचर जो इस आईफोन का है, जो कि फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस पे है। इसके नीचे है मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी, यानी कि जो बैटरी कैपेसिटी सेटिंग्स में है जो हमें नज़र आती है वो है 100%, और उसके नीचे है एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी हमारे इस आईफोन की, और इस तरीके से आप जान सकते हैं किसी भी आईफोन की एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी। अब अगर आप ये समझना चाहते हैं कि जो सेटिंग्स ऐप में बैटरी कैपेसिटी मेंशनड है और यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी मेंशनड है वो अलग अलग क्यों है, तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाया है कि सेटिंग्स ऐप में जो बैटरी हेल्थ है और जो एक्चुअल बैटरी हेल्थ है उसमें क्या डिफरेंस होता है और आपको उसको कैसे कैलकुलेट करना है। और ऐसे वीडियोज देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।